नमस्कार, आई एम डॉक्टर हरनीत कौर कोहली, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, पटियाला। आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे कि BDD कहा जाता है। क्या आप जानते हैं BDD क्या होता है? BDD का फुल फॉर्म है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें कि इंसान जो है अपने शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसको अपने उस पर्टिकुलर हिस्से को लेकर बहुत ऑब्सेशन रहती है। वो एक इमेजिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसे हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें वो उसका जो फ्लॉ है दूसरे लोगों को नहीं नज़र आता, बट वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है अपने उस फ्लॉ को लेकर कि कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ये समस्या बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये स्टार्ट ही बीमारी का एडोलेसेंस में होता है। ये बीमारी में बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को लेकर कॉन्शियसनेस होने लग जाती है। उनको लगता है कि मैं सही नहीं लग रहा। वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपने उस हिस्से को या फ्लॉ को बार बार मिरर में देखना शुरू कर देते हैं। उसके प्रति इतने ज़्यादा कॉन्शियस होने के कारण पढ़ाई ठीक से नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, अपनी फ़ोटो तक नहीं खींचते, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि लोग बहुत सुंदर हैं और वो मेरा जो फ्लॉ है बहुत ही बुरा लग रहा है। BDD के लक्षण ये होते हैं कि जो इंसान बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर से गुजर रहा है वो अपने उस फ्लॉ को लेके या अपनी वो प्रॉब्लम जो उसे हर वक्त एक ऑब्सेशन देती है उसको लेके सारा दिन शीशे के आगे खड़ा रहता है। वो बहुत ही नेगेटिव यूज़ करता है वर्ड्स अपने बारे में, जैसे कि उसे अपने आप से घृणा होने लग जाती है, उसको लगता है वो बहुत बदसूरत है, वो फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाता, सोशल गैदरिंग में नहीं जाता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सिर्फ उसका ध्यान अपने आप को मिरर में देखने में लगा रहता है। इसका डायग्नोसिस ऐसे होता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान ऐसी हरकत कर रहा है, सारा सारा दिन लगा रहा है एक चीज़ को करने में, हाँ ठीक है एक फ्लॉ है, उसको एक या दो बार शीशे में देखना एक आम बात है, पर एक ही चीज़ को लेकर बैठ जाना, सारा दिन उसमें लगा देना, डिप्रेस रहने लग जाना, एंग्जाइटी होने लग जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाना, उसी बॉडी पार्ट को लेकर सोचते रहना, इसके कारण वो कई बार डॉक्टर के पास आता है तो हम उसको कुछ सवाल पूछते हैं कि उसको क्या तकलीफ़ है। तब जब वो ये बताता है कि मैं सारा दिन कुछ नहीं करता, सिर्फ उदास रहता हूँ और इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि उसको BDD है, जिसके लिए हम उसको कई साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चनेयर्स और चेकलिस्ट देते हैं, जिसको पूरा करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो इस बीमारी से लड़ रहा है। BDD का सही उपचार ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाए, वो भी टाइम पे लेके जाया जाए ताकि इसका सही वक्त पे इलाज किया जाए। इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं टॉक थेरेपी की मदद से, कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से उस इंसान के विचारों को बदलते हैं। जैसे कि उसके जो विचार होते हैं बहुत ही नेगेटिव होते हैं, उसके कारण उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो डॉक्टर उसकी हेल्प करते हैं इसके अंदर कि उसको इन विचारों को कैसे बदलना है, उसको कोपिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो इस बीमारी से बाहर आ सके। इस डिसऑर्डर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। जो इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं उनके अंदर सुसाइडल इंस्टिंक्ट्स आने लग जाती हैं, सेल्फ हार्म टेंडेंसीज आने लग जाती हैं, अपने आप को कट्स मारने लग जाते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो उनके शरीर में बहुत सारे कट्स होंगे, उनके अंदर बार बार दिमाग में यही ख्याल आते हैं कि मैं कैसे अपने आप को ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं तो देखने में बिल्कुल बदसूरत हूँ, क्योंकि हर वक्त दिमाग उनका नेगेटिविटी से, घृणा से भरा रहता है, तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि उनको टाइम पर इलाज कराना चाहिए। पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि जो उनके फॉलोअप्स हैं बहुत रेगुलर रहें। एक बार उनका इलाज शुरू हो गया तो देखा जाए कि क्या उनके अंदर प्रोग्रेस है, क्या वो पहले से अब कम अपने आप को उसमें मिरर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्या वो सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, क्या वो सही से खाना खा रहे हैं, क्या उनकी नींद बेटर है पहले से। इन चीज़ों को अगर वो ध्यान देंगे तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को बता पाएंगे कि इनके लक्षण पहले से कम हो गए हैं, और अगर लक्षणों में फ़र्क नहीं है तो कई बार दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं या केयर टेकर हैं हमारे को बहुत मदद कर सकते हैं हेल्प करने में पेशेंट की रिकवरी में।
ये जो समस्या है ये ट्रीटेबल है बट क्योरेबल नहीं, जड़ से नहीं ख़त्म की जा सकती। ये बीमारी जब भी इंसान को दोबारा से स्ट्रेस होगा दोबारा आ जाती है, बट अगर हम इसका इलाज बहुत सही तरीके से करें, टाइम पे थेरेपीज लें, टाइम पे फॉलोअप्स रखें, तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जब एक इंसान की थिंकिंग चेंज होगी उसका बिहेवियर चेंज होगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जी पाएगा।